हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज कराऊंगा मैं आपको स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 89 एंड एम3एम सॉलिट्यूड सेक्टर 89 दोनों की ही कंस्ट्रक्शन अपडेट। सेकेंडली, जो स्मार्ट वर्ल्ड का एक नई अपडेट है, स्मार्ट वर्ल्ड एक अपना नया अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आ रहा है हाई राइज के अंदर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर। उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। सेकेंडली, जो यहाँ का कॉन्सेप्ट है 89 का, वो यहाँ पे बेसिकली लो राइज फ्लोर हैं 3.5 BHK और 2.5 BHK के अंदर। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो माईवान कंस्ट्रक्शन है जिन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है, वो अवेयर हैं। जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ। उसके एडिशनल में भी यहाँ पे बेसमेंट के अंदर एक ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो उसके लिए ऑफिस स्पेस बेसमेंट के अंदर, और टेरिस भी आपकी यहाँ पे रहेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे जो साइज की बात करता हूँ, 2.5 BHK में आ जाएगा 1103 स्क्वायर फीट, फिर 3.5 BHK में आ जाएगा हमारा 1423 स्क्वायर फीट। ये दो साइज हैं। इन दोनों साइज की जो कंस्ट्रक्शन है वो माईवान कंस्ट्रक्शन है। इसके अदरवाइज जो भी साइज हैं वो माईवान कंस्ट्रक्शन नहीं है, उनकी ब्लॉक पे कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो M3M को चाहे वो स्मार्ट वर्ल्ड का है, दोनों ही। और पजेशन की बात करता हूँ तो प्रोजेक्ट की पजेशन भी नियर में ही है, अगस्त के आसपास में पजेशन हो जाएगी। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में लगता हुआ प्रोजेक्ट है और बराबर में हमारा NH8 भी पास में है, और आसपास में सभी तरह की फैसिलिटीज ऑपरेशनल हैं, जैसे कि बड़े लेवल के स्कूल, छोटे बड़े लेवल के स्कूल ले लो, यूनिवर्सिटी ले लो, हॉस्पिटल ले लो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ले लो, सारी ही फैसिलिटीज ऑपरेशनल हैं। और अब नई चीज़ें, अपोजिट में ग्लोबल सिटी भी आ रही है 1,000 acre लैंड के ऊपर, और अपना हेली हब है, और किलोवली फ्लाईओवर ऑपरेशनल हो जाएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगी, कनेक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा इजी बन जाएगी। जो हमें टोल पार करके आना पड़ता था वो टोल पार करके आना नहीं पड़ेगा। आज की ही डेट में आप टोल पार ना करके टोल से पहले ही आपका द्वारका एक्सप्रेसवे CPR रोड ऑपरेशनल हो चुका है। वहाँ से आप आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। आपको साइबर सिटी जाना है, एयरपोर्ट जाना है, या आपको मेट्रो स्टेशन जाना है, वहाँ से आप निकल सकते हैं। और यहाँ से दिल्ली का भी डिस्टेंस जो है हमारा, तकरीबन हमारा 16 से 16.5 किलोमीटर का रह जाता है अगर हम टूवर्ड 21 मेट्रो स्टेशन साइड चलते हैं द्वारका, ये डिस्टेंस रह जाता है। तो आइए अब हम वीडियो, जो हमारी कंस्ट्रक्शन अपडेट है, वो स्टार्ट करते हैं। ये मेन 84 मीटर रोड के साथ में जो सर्विस रोड है 12 मीटर का, उसके साथ में ही मेन गेट बना हुआ है जिस पर वाइट वॉश हुआ हुआ है। लेफ्ट हैंड पे M3M सॉलिट्यूड का रहेगा और राइट हैंड पे स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स का रहेगा। और यहाँ से कंस्ट्रक्शन अपडेट देख सकते हैं। और राइट हैंड पे जो कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाई दे रही है ये आपको, ये टी ब्लॉक है जो स्मार्ट वर्ल्ड का फ्रंट का ब्लॉक है 2.5 BHK के अंदर, जिसमें दो साइजिस थे, 1103 स्क्वायर फीट और 1067 स्क्वायर फीट, 1067 स्क्वायर फीट एंड 1103 स्क्वायर फीट। और 3.5 BHK के स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं 1423 स्क्वायर फीट। और उसके बाद कुछ यहाँ पे 2.5 BHK में M3M सॉलिट्यूड के अपार्टमेंट हैं 2.5 BHK, जो ये यहाँ पे ये जो बिल्कुल स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आपको, जो ब्लॉक पे बने हुए कंस्ट्रक्शन, बीच में ये गार्डन रहेगा। और गार्डन से राइट हैंड पे जो यूनिट है जे ब्लॉक हैं, जिसमें 2.5 BHK के कुछ अपार्टमेंट यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड के आ जाएंगे, जो कि 1103 स्क्वायर फीट के हैं, जो J58 59 60। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड पे जो दिखाई दे रहे हैं ये डी ब्लॉक हैं, डी ब्लॉक M3M सॉलिट्यूड का, जो डिगिंग हो रही है। और स्क्रीन पे जो भी यूनिट हैं एक सीधी लाइन वाली, वो M3M के ही ब्लॉक हैं सारे M3M। और राइट हैंड पे जो भी आपको ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं वो जे ब्लॉक स्मार्ट वर्ड के हैं। और ये जो स्क्रीन पे यूनिट है ये N ब्लॉक स्मार्ट वर्ड PLC वाली यूनिट है, जो गार्डन फेसिंग है, गार्डन फेसिंग PLC वाली यूनिट पे भी काम स्टार्ट हो गया है। और इसका सेकंड फ्लोर की सेक्टरिंग के बाद थर्ड फ्लोर पे लेंटर जा चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहली वीडियो में PLC वाली यूनिट पे काम बहुत कम था, इस वीडियो में यानी कि एक महीने के अंदर काम काफ़ी खिंचा है। ये PLC वाली यूनिट है,
ये गार्डन था यहाँ पे, और उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है ओ ब्लॉक कम्प्लीटली ही 2.5 BHK है, कम्प्लीटली ही, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोनों साइड। ओ ब्लॉक में भी मैक्सिमम काम हुआ है लास्ट एक मंथ के अंदर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ओ ब्लॉक में कुछ यूनिट ऐसी हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं अभी, अब से एक साल पहले भी ग्राउंड फ्लोर पे थी और अभी भी ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं, और कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनके फोर्थ फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं। पीछे ये हाई राइज प्रोजेक्ट है टुलिप का, टुलिप पेटल, और बराबर में अफोर्डेबल है राइट हैंड पे हाई राइज, जिस पे वाइट वॉश हुआ सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोक्सीमा, और इसके बीच में जो ब्लॉक हैं स्मार्ट वर्ड के, आप देख सकते हैं कितना गैप है। और पहले यहाँ पे हाई टेंशन वायर होती थी, वैसे तो न्यूट्रल है ये, लेकिन अब काफ़ी ऊपर कर दिया। ये पूरा जे ब्लॉक है, जे ब्लॉक में जो यूनिट हमारी 148-134 हैं वो हैं, और ये एन ब्लॉक हैं, N63-93 ये ब्लॉक आ जाएंगे, 74 और ये जो यूनिट आ जाएंगी ये अब एम थ्रीम की आ जाएंगी, पीछे ए ब्लॉक जो है एम थ्रीम का। और आप देख सकते हैं पीछे 24 मीटर का रोड, जो आप आगे कई बार रोड पे आते हैं देख के चले जाते हैं, पीछे 24 मीटर का रोड नहीं दिखता है, तो वो ये रोड है 24 मीटर का, जिसकी पीछे से कनेक्टिविटी रहेगी RPS इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से। और ये एम थ्रीम का ब्लॉक है, ये एम थ्रीम का ए ब्लॉक है, इसकी कंस्ट्रक्शन तो फोर्थ फ्लोर बहुत पहले कंप्लीट हो चुकी थी, अभी फिनिशिंग वर्क भी इन यूनिट में मैक्सिमम हो चुका है। और अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं लेफ्ट हैंड पे, वो सारी फुल्ली लोडेड फ्लोर हैं, फुल्ली लोडेड। उसके बाद जो हम सीधे रोड की साइड में देखेंगे तो 1543 स्क्वायर फीट की यूनिट आ जाएंगी, ये इसमें भी मैक्सिमम फोर्थ फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं। अब यदि हम बाहर से रोड की साइड आ रहे हैं तो वो व्यू आता है दोनों ही डेवलपर का, एम थ्रीम और स्मार्ट वर्ड। और ये जो डिगिंग देख रहे हैं आप, ये क्लब बन रहा है यहाँ पे, जो सबसे बड़ा क्लब है 1,00,000 स्क्वायर फीट का, उसकी डिगिंग हो रही है यहाँ पे, तो काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और पोजीशन जल्दी ही मिल जाएगी यहाँ पे। ये डिगिंग जितनी भी दिखाई दी है आपको, ये क्लब की है, और राइट हैंड पे क्लब के साथ में 1067 स्क्वायर फीट के फ्लोर हैं एम थ्रीम सॉलिट्यूड के अंदर। और आप रोड देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जब आपने अपार्टमेंट बुक किया था यहाँ पे, फ्लोर जो बुक किया था तब ये रोड थोड़ा टूटा हुआ था, अभी यहाँ पे पूरा ब्लैक कर दिया गया है, नॉन स्टॉप रोड बन चुका है ये, और बराबर से सर्विस रोड का भी काम चल रहा है गार्डन के बाद जो सर्विस रोड है। ये टी ब्लॉक दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, और ये जो खाली डिगिंग हो रखी है मंदिर के साथ में, ये एम थ्रीम का ही ब्लॉक है, सी ब्लॉक बोलते हैं जिसको, जिसमें 2.5 BHK के अपार्टमेंट है। और ये बी ब्लॉक है गौशाला के बिल्कुल साथ में, तो ये थी आज की कंप्लीटली ही कंस्ट्रक्शन अपडेट। इसके बारे में आपको किसी भी तरह की जानकारी लेनी है तो मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया है अपना, मुझे डायरेक्टली आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। तो लास्ट में इतना ही कहूँगा, जैसे कि आज मैंने दोनों ही प्रोजेक्ट एम थ्रीम सॉलिट्यूड सेक्टर 89, स्मार्ट वर्ड सेक्टर 89 जेम्स, दोनों की ही कम्प्लीटली कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाई। अगर आप इसमें यूनिट या नया फ्लोर परचेज करना चाहते हैं जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो वो मुझे, मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया है, आप मुझे कॉल करके आ सकते हैं, मैं साइड विजिट के लिए अवेलेबल हूँ। और जो स्मार्ट वर्ड का नया प्रोजेक्ट आ रहा है एक्सटेंशन रोड पे हाई राइज, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं। और स्मार्ट वर्ड का कहाँ कहाँ पे नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, किस बजट में आ रहे हैं,
उसके लिए मुझे जो मैंने नंबर दिया स्क्रीन पे मुझे कॉल करके वो कंफर्म कर सकते हैं। बाकी 89 में किसी को भी रिक्वायरमेंट है फ्लोर की तो वो फ्रेश में भी हैं, रीसेल में भी हैं, दोनों ही ऑप्शन हैं, उसके लिए कॉल करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आपके लिए चीज़ें अच्छी अच्छी लेके आता रहता हूँ। ख़ास तौर पे जो जिनके लिए मैं कंस्ट्रक्शन अपडेट दे रहा हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जानकारी सबसे पहले मेरे माध्यम से आपके अपने चैनल सनशाइन कंसल्टेंट के माध्यम से सबसे पहले पहुँच सके। तो आज इतना ही, धन्यवाद।